बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबर हसन। उम्मीद करता हूं आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई हम बनाएंगे काली मिर्च वाली। काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई किस तरह बनाई जाती है, आइए हम बनाना शुरू करते हैं काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई। सबसे पहले चूल्हा जलाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने लिया है 100 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ऑयल में डालेंगे तेज़पत्ता, मोटी इलायची और दालचीनी। ये तीनों चिकन में स्मेल को ख़त्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बनाया है 1.5 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन हमने लिया है 1.5 किलो। चिकन को हमने धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को फ्राई करेंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक चिकन को फ्राई करेंगे। हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं 1/2 किलो। टमाटरों को हमने 2-2 पीस में काटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्ज़ मिर्ची हमने 5 से 6 काटी हैं बारीक बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। ऊपर देंगे ढकना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 से 10 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकने देंगे। ढकना ऊपर रखकर पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढकना उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ा है, चिकन ने भी पानी छोड़ा है। बिस्मिल्लाह। टमाटरों के हम छिलके उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने लिया है 150 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। दही को मिक्स करने के बाद खुले रखकर 5 मिनट तक हम दही को पकाएंगे। दही को डालने के बाद 5 मिनट तक हमने पकाया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच हमने लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हमने लिया है 1 चम्मच डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर हमने लिया है 1/2 चम्मच। और काली मिर्च पाउडर।
एक चम्मच हमने लिया है, इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो चिकन कढ़ाई जो है काली मिर्च वाली हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला हमने लिया है एक चम्मच। मिक्स करेंगे और डालेंगे सब्ज धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हा कर देंगे बंद। हमने थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखी है, आपने ग्रेवी नहीं रखनी तो बिल्कुल खुश कर सकते हैं। चूल्हा बंद कर देंगे, ऊपर देंगे ढकना, और ऊपर ढकना देने के बाद 5 मिनट तक दम लगा रहने देंगे। तो चिकन को दम लगा कर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढकना उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे टिफिन में निकालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने टिफिन में निकाल लिया है। अब हम ऊपर डालेंगे कटा हुआ अदरक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कटी हुई सब्ज मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मेहमानों के सामने पेश किया जा सकता है। अब हम बच्चों को कहेंगे वो टेस्ट करके बताएं कि हमारी चिकन कढ़ाई काली मिर्च वाली कैसी बनी है। सहेब, हाँ जी, अनीब, खाएं और खाकर बताएं कि चिकन कढ़ाई कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहेब, बहुत मजा आया। हाँ नहीं पुत्र, मजा आया। तो बच्चों ने खाकर बताया कि हमें चिकन कढ़ाई का बहुत ही ज्यादा मजा आया है। आप भी घर पर बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी चिकन कढ़ाई काली मिर्च वाली कैसी बनी है। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल विल फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तुमको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।